खबर रीवा से है। रीवा शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। होली में शांति व्यवस्था बनाने के लिए बुधवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी शिव कुमार वर्मा सहित शहर के सभी थाना प्रभारी व पुलिस बल मौजूद रहा। पैदल कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकला, जो बड़ी पुल, घोघर, कोतवाली, फोर्ट रोड, बिछिया, तकिया तक पहुंचा। इसके बाद वाहनों से पुलिस बल ने एसएफ चौराहा, पीटीएस समान तिराहा, विश्वविद्यालय, नीम चौराहा, सिरमौर चौराहा, अमहिया मार्ग होते हुए शिल्पी प्लाजा सहित अन्य स्थानों का भ्रमण किया। होली के पर्व पर सबसे पहले तो जिला पुलिस बल रीवा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इस अवसर पर अपील करते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इस दौरान किसी प्रकार के उद्दंडता से, अभद्रता से बचें, किसी प्रकार भी नशे के सेवन से बचें और होली में हुड़दंग करने से बचें। हम लोग आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप सपरिवार मित्रों के साथ होली मनाएं और किसी प्रकार के ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना हो जिससे पुलिस को आपके प्रति कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो हम पुनः आपसे अपील करते हैं पूरे पुलिस बल की ओर से कि कृपया ऐसे किसी गतिविधि में, नशे के सेवन में, हुड़दंग में, तीन सवारी बाइक चलाने में लिप्त ना हो और पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ शांतिपूर्वक, सद्भाव से होली मनाएं। धन्यवाद।